हेलो गाइस, कल मैं गई थी बाहर अहमदाबाद, मोबाइल थोड़ा सा बनवाना था। इतनी धूप थी कि मुझे टैनिंग हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से चेहरा पूरा काला पड़ने लगा था, जलने लगा था। घर पे आके मैंने जो भी रेमेडी की वो भी मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। उसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट आज लगा के देखा, उसके बाद मेरी टैनिंग सारी निकल गई, 80% निकल गई। एक बार और पैक लगा लूँगी कल परसों, तो बस समझ लीजिए 100% निकल जाएगी। तो चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं हमने आपको क्या यूज़ किया और मेरे साथ कल क्या हुआ कि मैं इतना ज़्यादा सनबर्न का मतलब शिकार हो गई थी। तो चलिए व्लॉग पे बने रहिएगा प्लीज़, और व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा। फेस मास्क लगाना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग को बता रहे थे कि हम कल जो है चले गए थे, थोड़ा सा मोबाइल बनवाना था धूप में, और कुछ लेंसेस वगैरह भी अपने ख़रीदने थे। तो अमीनाबाद जब चले गए और काफ़ी ज़्यादा देर हमें को धूप में रहना पड़ा, जबकि मैंने 50+ SPF लगाया हुआ था सनस्क्रीन, लेकिन ज़्यादा देर रहने की वजह से बिल्कुल जैसे लग रहा था फेस जल रहा है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि हम आपको क्या बताएं। तो फिर कल आए, कल मैंने काफ़ी अच्छे से फेस वॉश भी किया, एलोवेरा भी लगाया, घरेलू चीज़ें लगाई। आज जो है ये मैंने एक प्लम का जो है मेरे पास वो था ग्रीन टी फेस मास्क, ये देखिए इसको लगाया, क्योंकि ये सूदिंग इफेक्ट देता है, डिटैन भी करेगा और फेस को क्लीन और डीप पोर क्लींजिंग भी करेगा। तो यही सब चीज़ें मुझे आज ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने जो है इस तरह से लगा लिया। और अब आगे क्या रिजल्ट मिलता है ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी फेस क्लीन करने के बाद। देखिए एक बार में तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिटैन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कल मेरा टैनिंग हो गई थी। ये भी मैंने किया है इस तरह से, जिससे कि थोड़ी सी टैनिंग दूर हो, और एक दिन में मुझे इतनी हो गई थी, मुझे इतना खल गया। ज़्यादा अगर मुझे ज़रूरत ना होती तो मैं इतनी धूप में नहीं निकलती, लेकिन जब निकलने के बाद पता चला कि धूप अंदाजे से भी ज़्यादा है, सब जगह पानी बरस गया है, काफ़ी जगह ज़्यादा बरस गया है। लेकिन लखनऊ ऐसा है जहाँ पे जुलाई बीत गई, अगस्त बीत गई, जिस तरह की बारिश होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, सितंबर चालू हो गया और बारिश का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। गर्मी उमस वाली जो होती है ना, ह्यूमिडिटी वो इतनी ज़्यादा है कि हम आपको बता नहीं सकते। धूप भी इतनी तेज़ है कि मार झुलसा जा रही है। तो चलिए इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, तो फिर दिखाते हैं कि मेरा फेस कैसा हो रहा है। आफ्टर फेस वॉश देख लीजिए मेरा फेस कितना क्लीन सा लग रहा है, और काफ़ी अच्छे से टैनिंग इसकी मेरी निकल गई है, अब काफ़ी हद तक निकल गई है। एक दो दिन और लगातार अगर मैं अपना स्किन केयर काफ़ी अच्छे से कर लेती हूँ और पैक्स लगा लेती हूँ, तो मेरे 2 से 3 दिन के अंदर फुल टैनिंग निकल जाएगी। और आप विश्वास करें, मैं बिना SPF के घर से बाहर नहीं निकलती, चाहे धूप हो ना हो। और इतनी धूप थी तो मैंने 55 वाला SPF, 50% वाला भी SPF लगा लिया था, 50+ SPF लगाया हुआ था, और उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें वो की हुई थी कि उतना ना हो, लेकिन फिर भी 2 घंटे अगर ये क्लेम करते हैं कि 2 घंटे बाद SPF आपको लगाना है, तो 1.5 घंटा समझ लीजिए, उससे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है बाहर धूप में हो गया था। रास्ते में गाड़ी में बैठ के मैं सनस्क्रीन लगा तो नहीं सकती थी, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 2-व्हीलर से गए थे, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी हुई। और घर पे आते आते मुझे कुछ जलन सी होने लगी थी, ठंडा ठंडा एलोवेरा भी लगाया था कल, तो आराम मिल गया था, लेकिन आज देखिए फेस जो है मुझे कुछ काफ़ी हद तक क्लीन लगने लगा। तो इस पैक का मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर शेयर देख लीजिएगा, चेकआउट करिएगा, आपको पसंद आता है तो। प्लम के वैसे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, तो यूज़ करके देखिएगा। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। आई होप आपने मेरा वो वाला व्लॉग देख लिया होगा, रुद्राभिषेक वाला, अमीनाबाद वाला, तो देखते रहिएगा अच्छा।